Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome back to Sleepy Classes. Well, let us continue this reading comprehension series. आरसी की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो 2024 के एग्जाम में भी काफ़ी थी, 23 के एग्जाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि अगर वेरिएशन पर डिस्कशन करें तो 2023 के अंदर दोस्तों जो आरसी का लेवल था वो मॉडरेट लेवल के पैसेजेस थे, बट उनमें प्रॉब्लम ये थी कि हर एक पैसेज के साथ एक ही फॉलोअप क्वेश्चन था, फॉलोइंग क्वेश्चन एक ही था, राइट? अब क्योंकि अगर 28 पैसेजेस आएंगे, 28 क्वेश्चंस होंगे, तो 28 क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए आपको पहले 28 आरसी पढ़ने होंगे, राइट? लेकिन 2024 में थोड़ी वेरिएशन देखी गई. 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चंस 80% जो क्वेश्चंस थे आरसी के, एक आरसी के ऊपर दो दो क्वेश्चंस भी देखने को मिले आपको, राइट? तो वहां पे क्या था, टाइम कंजम्पशन ज्यादा थी, ठीक है, थोड़े टास्क टाइम कंज्यूमिंग थे 2023 के अंदर, लेकिन 2024 में टाइम कंज्यूमिंग उतने नहीं थे. एक आरसी को अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर आपको दो फॉलोइंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन लेवल जो था वो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से हाई किया गया, जिसमें काफी स्टूडेंट्स को आरसी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. 2023 में अगर आरसी का लेवल मॉडरेट था तो क्वांट और रीजनिंग का लेवल थोड़ा इंक्लाइन देखा गया, राइट? बट 2024 के अंदर क्वांट और रीजनिंग के लेवल को कैट के लेवल से डिक्रीज किया गया वापस, राइट? लेकिन आरसी के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हुए. तो ऐसे ही कुछ मिसलेनियस टास्क जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन भी होगा आरसी के साथ, दो फॉलोइंग क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसे ही कुछ हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं. चलिए आज का एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, डिस्कस करते हैं, साथ में एक फॉलोइंग क्वेश्चन भी है. सो द पैसेज सेज पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस्ड द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. ऑब्वियसली ऐसा तो है, अगर आप इकोनॉमी के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं, वैसे तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आती है, तो उसका फैक्टर मेजरली कोई एक चीज नहीं हो सकती, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. और ऐसा ही किया गया, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और मीडिया है उनमें काफी फैक्टर्स पे उसका जो इम्पैक्ट है फूड प्राइसेस का, वो ब्लेम उसके ऊपर डाला, इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस. अब फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेफिनेटली दोस्तों इंक्रीज होगी. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी होगी वो सारी पूरी कहाँ की जाएगी, जितने भी गुड्स सेल किए जाएंगे उनके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐड किया जाएगा, राइट? दूसरा बैड वेदर, क्योंकि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं. दूसरा, उनकी यील्ड बहुत कम हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन में भी कमी आती है जब वेदर के इम्पैक्ट्स जो होते हैं क्लाइमेटिक शिफ्ट्स की वजह से, उस वजह से भी प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड अगर स्टेबल है बट सप्लाई कम हो जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगे. इन की फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो मेजर फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें बैड वेदर के भी काफी इंपैक्ट्स देखे गए. एंड द डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन, अब लैंड को नॉन फूड प्रोडक्शन में भी कन्वर्ट किया गया, ठीक है, उस लैंड पे फैक्ट्रीज या कुछ और कारखाने बिल्डअप किए गए, कुछ कंपनीज बिल्डअप की गई, कुछ माइंस लगाई गई, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, लैंड भी कम हुई, तो लैंड कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में कमी आएगी, डिमांड स्टेबल है, सप्लाई कम हो गई, अगेन प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट? इंक्रीज्ड एम्फेसाइज हाउएवर, ज्यादा इंपैक्ट किस पे, ज्यादा ब्लेम किस पे डाला गया, ज्यादा एम्फेसाइज किस चीज को किया गया, हैज बीन प्लेस्ड इन अ सर्च इन डिमांड फॉर फूड फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज. तो इसमें कहा गया इन अ सर्च इन डिमांड, ठीक है, जो बेसिकली सर्च बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड आ रही है फॉर फूड फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इकोनॉमीज इमर्ज हो रही है, बड़ी हो रही है, जहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वहां पे फूड की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से ये चीजों पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा. और बड़ा सिंपल सा फंडा यार, कि अगर किसी भी चीज की डिमांड में इंक्रीज आएगा तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन किसी भी चीज की अगर सप्लाई में कमी आएगी, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे. हाँ, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो जो प्राइस होता है उस पर इनवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्राइस कम हो जाता है. बट सप्लाई अगर उतनी है, इवन सप्लाई कम हुई है पैसेज के हिसाब से देखें, बट डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे. इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन इन दीज कंट्रीज कुड बी वेल पॉइज्ड टू क्रिएट फूड क्राइसिस. तो जितनी भी मास कंजम्पशन इन पर्टिकुलर कंट्रीज में हो रही है, उससे फूड क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं, राइट? अब समझना यह है कि अगर मास कंजम्पशन इन कंट्रीज में हो रही है तो क्राइसिस क्या सिर्फ इन कंट्रीज में आएंगे? नहीं, अगर मास कंजम्पशन यहां हो जाएगी तो फूड की कमी तो हर पर्टिकुलर प्लेस के लिए हो जाएगी, तो क्राइसिस तो हर प्लेस के लिए कवर अप होंगे ना, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या था,
दो ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है, दोनों में से आपको बताना है, आइदर वन और टू, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट और नाइदर वन नो टू। सो विद रेफरेंस टू द पैसेज गिवन अबव, द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। पैसेज आपने पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड भी किया। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। दोस्तों फर्क है दोनों बातों में। एक हम कहें कि ऑयल प्राइसेस जो है, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना इज वन ऑफ द रीजंस, वो बात समझ आती है। बट हम कहें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसका कारण है, कंट्रीज ने तो कुछ नहीं किया, राइट? ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, डजंट मीन कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उसका रीजन है। तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट तो आपके हिसाब से भी इनकरेक्ट होगी, और इवेंचुअली अगर हम पूरा एनालाइज करें तो उस हिसाब से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ देर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर, अगर फूड क्राइसिस नियर फ्यूचर में आते हैं दुनिया में, इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, वो फूड क्राइसिस इमर्जिंग इकोनॉमीज में ही आएंगे। अब दोस्तों इसी बात पे हम पीछे बात कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो, ठीक है। अब सपोज कीजिए देर इज अ स्मॉल टाउन, ठीक है, अ स्मॉल टाउन में टोटल 500 रेजिडेंट्स हैं, सपोज कर लेते हैं। अब 500 रेजिडेंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे पांच काफी रिच फैमिलीज रहती हैं, और पांच रिच फैमिलीज के साथ साथ इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। टोटल हम मान लेते हैं कि देर आर 100 हाउसेस, तो टोटल 100 हाउसेस हैं, जिसमें से 10 हाउसेस मान लेते हैं ऐसे जिनमें कंजम्पशन जो फूड की है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। टोटल जितना राशंस जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आता है 100 हाउसेस के लिए, उसमें से 10 हाउसेस थे जिनको 10% आना चाहिए था, बट उन्होंने कंज्यूम कर लिया 20-25%। तो क्या होगा फिर, यहाँ पे कंजम्पशन कम होगी, ठीक है, इनको उतनी ही सप्लाई पहुंच पाएगी। अब अगर दोस्तों क्राइसिस आएंगे तो सिर्फ इन 10 घरों में तो नहीं आएंगे, ठीक है। 100 हाउसेस है, प्रॉपर पूरे टाउन के लिए जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा था वो 100 में डिवाइड होना था, तो 100 के 100 घर जो होंगे वो उससे इंपैक्ट होंगे, ना सिर्फ वो 10 फैमिलीज, बट वो 10 फैमिलीज बस कंजम्पशन ज्यादा कर रही थी तो वो बाकियों का शेयर ही था, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है, बड़ा सिंपल फंडा है कि ऐसा नहीं होगा कि ये क्राइसिस जो है वो सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। क्राइसिस तो आएंगे, मतलब फूड हर जगह पे उसकी स्कार्सिटी अगर होगी, ठीक है, फूड की कमी अगर आएगी तो सबके लिए होगी, राइट? इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन इसका जो टू है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नोर टू। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पैसेज। थोड़ी आपको क्रिटिकल अपनी स्किल्स जो है, रीजनिंग स्किल्स, मेंटल एबिलिटी यूज करनी थी, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़ा इजिली सॉल्व हो सकता था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम हर वीक सॉल्व करते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए स्लीपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ, और इस सीरीज को हर रोज देखें और इसका जितना हो सके बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच।